निखिल कहाँ गया यार? पास कर ब्रो, पास। आ निखिल, आ निखिल। गेम में तो भूल गया था। How can you leave now? You गया और you आया। Hasta la vista, baby. But bye, bye, Nick! Bye. Nick! क्या करते हैं? वैसे कैसे गेम भूल गया तू? ऐसे ही थोड़ी। दोस्त असली की सबसे हॉट लड़की के लिए तो मिस हुआ है। चल, तेरी सुन गया तू। Come on, Nick, score! Go, score! साले तू नहीं होता ना आज गेम हार जाते, पता है? निकल गया उसकी टीम जिस दिन हारे, उस दिन मैं वन वुमन मैन बन जाऊंगा, व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। साले सोच समझ के बात किया कर, इसी दिन अगर गलती से हार गए ना, बोल दिया ना, गलती से भी गलती नहीं होगी। बास्केटबॉल खेलना आता है? मैं तो पैदा होते ही पहला वर्ड बॉल बोला था। नो वंडर फुटबॉल और बास्केटबॉल के बीच में तुम्हें फर्क नजर नहीं आ रहा। गेम की रिस्पेक्ट करते ना तो इसे किक नहीं करते, अगर गेम आता तो गेम की रिस्पेक्ट करते। बट देन अगेन तुम लड़कों को रिस्पेक्ट की स्पेलिंग तक नहीं आती, राइट? रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इसीलिए चुप हूँ। तो तुम सिखाओगी मुझे ये गेम? मैं सिखाऊंगी तुम्हें ये बास्केटबॉल गेम, और मेरे गेम का फर्स्ट रूल है गेट आउट। एक्सक्यूज मी, अगर मेरे कोर्ट से एक मिनट के अंदर नहीं निकले ना तो सिक्योरिटी को बुलाकर बाहर निकलवा दूंगी। जस्ट गेट आउट। ये तुम्हारा कोर्ट कब से बन गया? 2 मिनट 20 सेकंड पहले से ये कोर्ट गर्ल्स बास्केटबॉल टीम का हो गया, सो इफ यू डोंट माइंड। लिसन बेब, ये कोर्ट जो है ना, निक सुनो, ये गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है नीति। हाय हाय नीति, कैसी हो? आजकल दिखती नहीं हो तुम। तुम जैसे लूजर लड़कों को दिखने से अच्छा ना, I'd rather die. गुड गुड। निक निक, यू वर लाइक सो हॉट, आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट यू, सीरियसली। हे गाइस, ओ भाई ये क्या हो गया भाई? हाँ बैठ बैठ बैठ। ये क्या है? ये यार ये गेम इतना नहीं थकाता है, इतना लड़कियां थका देती है। नॉट फेयर यार निक, कोर्ट पर भी तू स्कोर बनाता है और कोर्ट के बाहर भी तू ही लड़कियों को घुमाता है। यार कैसे करता है तू? हाउ डू यू डू इट? फाइव सेकंड बताना यार। यार निक हूँ, रजनीकांत नहीं। 5 दिन यहाँ, 5 साल हो गए और अब तक एक लड़की नहीं पटी। बुरा मान रहा है तू? चल एक बात सुन, मेरे शरण में रहेगा ना तो सीख जा। इट्स सिंपल, इट्स एक्चुअली एन आर्ट। समझा? किसी भी लड़की को पटाने के लिए 5 दिन चाहिए, समझा? मेरा मंत्र है 5 दिन लड़की। बाबा 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 एक तरफ है हमारे निखिल, कंप्लीट कैसल होगा, लड़कियों के पीछे पागल, और दूसरी तरफ है नीति, अ गर्ल हु हेट्स बॉयज, जिसके लिए निखिल जैसे लड़के हैं ना उसकी डिक्शनरी में लड़के कहने के लायक भी नहीं। दैट्स हाउ मच ही हेट्स। नाउ अब ये दोनों लोग इतने ज्यादा अपार्ट हैं, देयर सो पोल्स अपार्ट, फॉर एग्जांपल एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ, दैट्स हाउ डिफरेंट दे आर। आप लोग सोचेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में कभी कोई प्यार जैसी कोई चीज, कैन देयर बी अ मैच, तो आपके दिमाग में पहला जवाब आएगा कि
Nah, that can't be possible. But I think that's where you go wrong. आइए देखते हैं निखिल और नीति की लाइफ में क्या हुआ. Welcome to Glamour Presents Bindaas. ये है आश, co-presented by Whitestone. पूरा का पूरा यूटर्न नीति. यूटर्न? कौन सा यूटर्न? तू कैसी थी पहले और अब कैसी हो गई है? सडनली इतना चेंज. सीरियसली मैं तेरी फ्रेंड नहीं होती ना तो तेरे को पहचान ही नहीं पाती. रात का फुल पॉइंट ना श्रुति, उस नीति को तो अब मैं भी नहीं पहचानती. तो ये सब क्यों देख रही है? यू नो ना श्रुति, ये जो मेरी लाइफ का पार्ट था ना वो ओवर हो चुका है. मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती. यही वो दिन था ना इस मैन इतनी से एकदम पक गया हूं यार. आई एम बोर्ड ऑफ बिग टाइम बोर्ड. इतनी हॉट लड़की के साथ घूम रहा है और तू कह रहा बोर हो चुका है. हमें क्या खाक वाट है? बहन जी है वो, समझा? सिर्फ बहन जी. अबे स्पार्क होना चाहिए बंदी. फ्लेम इज मिसिंग यार, टोटली मिसिंग. दिन भर रोमांटिक बातें करती है लेकिन जब पास जाओ तो टाई टाई फिस. क्योंकि मेरे लिए शी इज जस्ट फॉर मी, शी इज माय इमेज गर्ल. और वैसे बाकी सबके लिए तो कोई और ही है. Bloody joke. तो तुझे क्या जरूरत है फोटो संभाल के रखने की? If you hate him that much, याद रखने के लिए, okay? So that मैं ये mistake ना फिर से ना करूँ. Come on, नहीं. एक bad experience की वजह से तू एक man hater थोड़ी ना बन सकती. Listen, it's not about hating man or being a man hater and all that, ठीक है? मेरे हिसाब से हमारा पूरा system ही ऐसा है यार. ये शादी, marriage, ये सारे social norms, इन सब का ना एक ही पर्पस है, ये दिखाने के लिए कि एक लड़की एक लड़के पर हमेशा डिपेंडेंट रहती है. एंड यू नो व्हाट, मेरे लिए मेरी इंडिपेंडेंस ना बहुत जरूरी है. कांट फील ट्रैप्ड एंड ऑल यार. अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ. वार्डन का फोन आया, अभी बुला रही. ये लो लेटर. इसमें लिखा है कि आज से बास्केटबॉल कोर्ट बॉयज हॉस्टल के मैनेजमेंट के अंदर आता है. What? But ma'am, ये कैसे रूल्स हैं? अगर हम बास्केटबॉल कोर्ट में गर्ल्स और बॉयज के बीच में इक्वालिटी नहीं रख सकते तो बाहर जाकर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे? एक्सपेक्ट मत करो, रूल्स फॉलो करो. I'm sorry ma'am, मैं ये रूल्स फॉलो नहीं कर सकती. तो जाकर बॉयज टीम के कैप्टन निखिल चौहान से बात कर लो. ऑफिशियल बुकिंग उसी के परमिशन से होगी. ये रहे उसके डिटेल्स. ये मैम, मैं इससे परमिशन लूंगी. जस्ट लीव इट मैम. मैम मैं मोर्चा निकाल दूंगी इसके अगेंस्ट. पूरे कॉलेज को गैदर करूंगी इसके अगेंस्ट. मैम आप देख लेना. प्लीज लीव, मुझे अभी बहुत काम है. वेरी नाइस. हे निखिल, बड़ा इंपॉर्टेंट है. बेब, मैं जाना होगा. आई मीट यू लेटर. बाय बाय. How sweet. You. Bye-bye. Bye. और उसने तेरे खिलाफ मोर्चा निकाला है. किसने? नीति, वही गर्ल्स बास्केटबॉल टीम की कैप्टन. Really? मैं इतना फेमस बन चुका हूँ. चल देखते हैं. आप सब बताइए, गर्ल्स बॉयज से परमिशन लेंगी? क्या हम इस कंट्री के सेकंड सिटीजन हैं? हमें वो इक्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है? वो पावर क्यों नहीं मिल रहा है जो इस वक्त हमारी कंट्री के बॉयज को दिया जा रहा है? वी शुड नॉट स्टैंड फॉर दिस. वी शुड नॉट टॉलरेट. नीति प्लीज छोड़ना है. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. देख हमारी बास्केटबॉल की टीम भी नहीं आई है. प्लीज जस्ट लीव इट. नीति मुझे लेट हो रहा है, कल मेरी डेट है. ओके बाय. डेट? डेट के लिए जा रही है ये?
लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है, हम कभी भी ना किसी भी इशू के लिए एक साथ खड़े नहीं हो सकते. नेवर. रिडिकुलस. पकड़. बस यही था मोर्चा. क्या प्रॉब्लम क्या है इस लड़की का? बॉयज मेन हम लोग इसे पसंद नहीं. सारे के सारे ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? नहीं चाहिए. अगर मेकअप होता ना, ये कोई मेकअप कॉन्फ्रेंस होती ना, तो सबने हाय हेलो करके अभी तक आ भी गई होती. इंटरेस्टिंग सिचुएशन तो मुझे यहां नजर आ रही है. क्या तू कल लॉकर रूम में बड़ा शो ऑफ कर रहा था ना? 5 दिन लड़की है के बारे में क्या? आर यू मैड? शी इज नॉट माय टाइप. छोड़. वही तो चैलेंज है मेरे भाई. अगर 5 दिन में तूने इसे पटा लिया तब जाके तुझे गुरु मानूंगा. आदिल तू पागल हो गया है क्या? लड़कियों की कमी है क्या कॉलेज में? क्यों डर गया? ए निखिल किसी से नहीं डरता है. तो लगी बैठ. 5 डेज. अगर 5 डेज में लड़की नहीं मानी तो अपने वर्ड्स वापस ले. लॉकर रूम में सबके सामने कैसनोवा निखिल से नॉट सो कैसनोवा पर आ जा. बोल लगी शर्त. चल लग गई. वैसे भी चैलेंज इतना मिस्टीरियस हो मजा उतना ही ज्यादा आता है. आदिल द बेल इज ऑन. Excuse me. क्या ये? Morning 6:30 AM to 11:30 PM for the girls' hostel. And from 11:30 PM to 5 PM for the boys' hostel. Catch किया है हाँ? क्या करना चाहते हो तुम? मैं तो issue sort out करना चाहता हूँ. Schedule. Basketball court use करने के लिए. Listen. तुम ना अच्छे लड़के बनने का नाटक मत करो प्लीज. क्वाइट डिस्गस्टिंग. मुझे गलत समझा आपने. आई एम नाइस गाय. नो यू आर नॉट. क्योंकि अगर तुम मिस्टर नाइस गाय होते ना तो ये शेड्यूल ना ऐसे हाथ में नहीं पकड़ाते. मीटिंग रखते पूरी गर्ल्स बास्केटबॉल टीम के साथ और पूछते वेदर ये टाइमिंग हमें सूट करते भी है या नहीं. तुम्हारी मेहरबानी नहीं चाहिए. प्रैक्टिस अब तक ऐसी हो रही थी तो तुमने सोचा कि आगे चल के भी यही चलेगा राइट? So typical. Listen, हमें ना तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं. ये बास्केटबॉल कोर्ट ना गर्ल्स हक से लेंगे, इज्जत से लेंगे, तुम्हारे एहसान से नहीं. Now go away. घूर के रहे हो जिस गो ना. ये कोई और ही चीज है. जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं. और लिसन वन मोर थिंग. मेरा मुद्दा और मेरा मोर्चा अभी तक खत्म नहीं हुआ समझे. ये जो इश्यू है ना मैं स्टूडेंट एनुअल बॉडी मीटिंग में ले जाऊंगी. एक काम करते हैं. मीटिंग कर लेते. यू आर राइट. शुड बी अ फेयर गेम. तुम अपनी टीम को बुलाओ बैठ के बात कर लेते. व्हाट? हाँ एटलीस्ट तब तो ये गुस्सा ये मोर्चा लोग नॉर्मल नहीं रह सकते क्या? नॉर्मल? हाँ आई मीन अपना गुस्सा मिटाकर ये डिफरेंसेस बुलाकर जस्ट नॉर्मल. नॉर्मल? नॉर्मल गुड. एक्चुअली हाँ नॉर्मली करते हैं ओके. क्योंकि एक नॉर्मल सिचुएशन में तुम जैसे लड़के का पास मुझ जैसी लड़की के पास से कभी क्रॉस नहीं होगा. So you go left, because I'm always right. जाने से पहले वन ऑन वन हो जाए. Just to make sure हमारे paths cross ना हो. सोच लो हार जाओगे. Really? आज तक नहीं हारा हूं. Well, there's always a first time.
We'll see. निखिल के बच्चे को आई मीन सीरियसली यू नेल्ड इट फुल पावर. अरे शो ऑफ कर रहा था ज्यादा ही. आई टू पुट हिम इन स्पेस. एनीवे तूने अपना असाइनमेंट किया? नहीं किया. तू कभी नहीं करती है क्या असाइनमेंट? यस मैं तुम्हारी दोस्त के साथ अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? नो श्रुति मेरी बेस्ट फ्रेंड है. तुम्हें जो भी कहना है उसके सामने कहो. ओके Okay. वैसे मुझे कोई सीक्रेट नहीं बताना है. चाहो तो पूरे कैंटीन के सामने चिल्ला के भी बोल सकता हूँ. रिक्वेस्ट है प्लीज. ओके चल सी यू नीति. ठीक है श्रुति. श्रुति सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी फ्रेंड को ऐसे जाना पड़ा ना. डोंट वरी मैं काटता नहीं हूँ. सुबह तक तो आप कर रहे थे अब तुम पर उतर है. थैंक गॉड तुमने नोटिस तो किया. ओके मेरी लाइफ में एक रूल है. कोर्ट में जिसके साथ एक बार बास्केटबॉल खेल लिया और कोर्ट के बाहर जिसके साथ एक कप कॉफी पी ली वो मेरे फ्रेंड जोन में आ जाते हैं. और फ्रेंड्स के साथ फॉर्मेलिटीज कैसी? जस्ट लिसन ओके सब लोग यहाँ देख रहे हैं और तुम्हारी तरह मुझे अनवांटेड अटेंशन पसंद है. ओके सी फ्रेंडशिप थोपना छोड़ो एंड कम टू द पॉइंट. क्या चाहते हो? थैंक यू कहना चाहता हूँ. किस लिए? एक पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने के लिए. मैच से पहले मैं लाइफ को और गर्ल्स को शायद अलग नजर से देखता था लेकिन मैं दिन भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा. पहली बार किसी ने मुझे हराया. And honestly, I loved it. तुम्हें वो बात है नीति जो लोगों की लाइफ को बदल कर रख दी. कल वो बदलाव मेरी लाइफ में भी आया इसलिए थैंक यू वेरी मच. एंड Trust me when I say this, मैं आज तक तुम जैसे लड़की से नहीं मिला. और आज के बाद मिलू भी ना because I won't be bothering you again. So, good luck and goodbye.
अब जो इन दोनों की लाइफ में हो रहा था ये इन दोनों ने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। बट इस प्लान में कहीं ना कहीं निखिल भी अपना वो साइड रिवील करने लगा था जो उसने आज से पहले कभी किसी को रिवील नहीं किया। बट अब जो ये दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे थे ये फीलिंग झूठी नहीं। दिस वॉज ट्रू। इस बास्केटबॉल कोर्ट में क्यों होती है? ताकि तुम जैसे हार्ड वर्किंग लोग एक ब्रेक ले सके। सीरियसली कभी तो सांस ले लिया करो, अब तक तो बास्केटबॉल कोर्ट भी थक चुका होगा। सांस तो मैं नहीं ले सकती। Hey, listen, क्रिसमस डेकोरेशन में वॉलंटियर करना है? तुम करोगी तो करूंगा। Looks fine. थोड़ा थोड़ा सा इसे शिफ्ट करना लेफ्ट साइड में। हाइट थोड़ी सी है। इटाली इस पे। यार इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया है सर। अभी टाइम बाकी है, अभी तो सर डेकोरेशन हो रहा है। अच्छा Perfect. इतना सुंदर लग रहा है। It looks so awesome ना, जब ये सारे lamps light up हो जाएंगे। अच्छा लग रहा है। ये लाइट्स, हाँ
That's what I was saying. बोल लगा? I'll get the All Stars. Congos and bongos, dude. आजा मेरे शेर, आजा बैठ बैठ बैठ. तूने आज वो कर दिखाया जो सन 2011 से किसी ने नहीं किया. नीति को ब्लश कराया, ब्लश. मैंने अपनी आंखों से देखा था, ओके? और कल है डे 5. भाई ये शर्त तो मैं हार गया. चलो सही है बेटा, सारा साल तेरा कैंटीन बिल मुझे ही भरना होगा. क्या हुआ ब्रो, तू ठीक है ना? ऑल ओके? हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे. यू श्योर? राइट, कुछ बात है तो तू मुझे बता सकता है? यू कैन टेल मी. पता नहीं यार आदर, लेकिन नीति के सामने मैं अब एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ. मतलब शी इज सो डिफरेंट यार. ऊपर से इतनी रूड, इतनी मीन, जैसे कि वो चाहती नहीं कोई उसके पास आए. लेकिन एक बार जो उसके पास चला गया उसे भूल नहीं पाएगा. समथिंग एल्स. ब्रो तुझे याद है ना, ये सिर्फ एक बेट है. है नहीं, बेट थी. लेकिन ये बेट करते करते कब मैं उसे लाइक करने लगा, आई डोंट नो. अब मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता. सोचता हूं तो कुछ चीप सी फीलिंग होती है यार. उसकी आंखें यार, इतनी इंटेंसिटी कहां होती है किसी की आंखों में. आई कांट हर्ट हर. तो तू ठीक है ना? तूने आज तक कभी ऐसी बात नहीं कही है. क्योंकि आज तक ऐसा कभी फील ही नहीं किया था यार. I want to know her, all of her. ऐसा लगता है उस हार्ड एक्सटीरियर के पीछे इतनी सॉफ्ट सी लड़की छुपी है यार. मैं उस नीति को जानना चाहता हूँ जो पूरे वर्ल्ड से छुपकर कहीं किसी कोने में जाके बैठ चुकी है. तो ठीक कह रहा है यार. तो जिस नीति की बात कर रहा है वो 2012 तक चेंज हो गई थी, जिस साल तूने कॉलेज में एडमिशन लिया था. मतलब क्या, मैं समझा नहीं. In 2011, she had a bad breakup with Rahul यार. What? Yeah. Are you sure? तू सच में ये ड्रेस पहनेगी? अगर फिट आए तो यस, यही ड्रेस पहनूंगी. ये ड्रेस तू निखिल के लिए पहन रही है ना? Stop. तेरे को पता है ना निखिल की कैसी रेपुटेशन है कॉलेज में? कॉलेज का कैसिनोवा है. नहीं यार श्रुति, तुझे पता है जिस निखिल से मैं मिली हूँ ना वो कोई और ही है. He's like a चेंज निखिल. तुझे पता है उसके बारे में ना मैं बहुत गलत सोचती थी. यू नो डीप डाउन रोली रोली नाइस गाय. और जब से उसे जाना है ना बस उसे और जानने का मन करता है. वाओ, इतना ज्यादा चेंज इतने कम टाइम में. आई गेस जब कुछ होना होता है तो ऐसे ही हो जाता है. नहीं एक बात बता, अगर उसने तेरे को प्रपोज किया तो तू क्या बोलेगी? प्रपोज? क्या कहूंगी? नीति के लाइफ में मैं दूसरा लड़का हूं जो उसे धोखा दे रहा हूं. आई हैव टू टेल हर द ट्रूथ. Hey bro, congrats in advance यार. बट तो गई है, अब भाभी कर ही देगी. Guys, ये सामने क्यों ऐसे बात कर रहे हो? तो सबके सामने ही तो पटाया है. Too good man. कैसे नो बाबा की जय. हर बेट तू कैसे जीत लेता है यार?
वो लड़की जिससे सारे लड़के दूर भागते थे, तूने उसे भी पटा लिया। ऑसम ब्रो, मान गए यार। जो लड़का नीति को राणा को पटा सकता है ना, वो किसी को भी पटा सकता है। लिसन गाइस, तुम लोग मेरी बात सुनो। I wasn't drinking. No. Just... Don't. Niti, just. Don't. 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 मेरी बात नहीं सुनिए, तुम्हारी बात नहीं सुनिए, तुम्हारी बात क्या सुनूंगा, कितना झूठ बोलेगी आप तुम। प्लीज जस्ट डू व्हाट आई सेड टू यू, हाउ डेयर यू प्ले विद माय फीलिंग्स लाइक दैट। एक बार मेरी बात सुन लो, डू व्हाट आई सेड टू यू, क्या सुनाओगे तुम मुझे, एक बार मेरी बात सुनो। क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो तुम, हाउ डेयर यू डू दिस टू मी, गो अवे, गेट आउट ऑफ माय रूम, जस्ट गो प्लीज। एक बार मेरी हमने बैट लगाई थी 5 दिन की, जब तुमने वो पहला बास्केट में रह गया स्कोर किया, इसे मैंने अपना हार्ट खो दिया था नीति, मेरी आंखें, मेरी स्माइल, मेरी बातें, सब कुछ। आई लव यू, 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 ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मारो मुझे, मुझे गलत मत समझो। हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा था, लेकिन वो झूठ नहीं कहता तो मुझे कभी एहसास नहीं होता तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये लो, मारो मुझे, सबको यही लगेगा कि गर्ल्स हॉस्टल में घुसने की सजा मिली है इसे। और तुम्हें अभी भी लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, इसको नट्स। मैं प्रूव कर दूंगा कि मेरा प्यार झूठा नहीं। लीव, गो अवे फ्रॉम हियर। वेट फॉर यू नीति, क्रिसमस पार्टी में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आई वेट फॉर यू।
Come on, bro. कब तक ऐसे वेट करेगा? जब तक वो आ नहीं जाती आदिल, तब तक मैं यही रहूंगा। लेकिन अगर वो नहीं आई तो? No. मेरे डैड कहते थे कि कभी किसी लड़की का दिल नहीं दुखाना चाहिए। It's bad karma. फिर तो मेरे बैड कर्म का घड़ा कब का भर चुका होगा ना? ना जाने कितने लड़कियों का दिल तोड़ा है यार। तुझे लगता है नीति आएगी? पता नहीं यार, मैं उसके जगह पे होता तो नहीं आता, पर मेरा हार्ट कह रहा है कि वो आएगी। पागल है साला, इतनी सारी लड़कियां हैं कॉलेज में, तुझे नीति से ही प्यार करना था, उस तोप से? उसमें कोई और ही बात है यार, कोई और ही बात है। फिर तो मुझे लगता है कि वो जरूर आएगी, क्योंकि मेरी तरह वो भी जानती है कि तेरा दिल बहुत अच्छा है। OMG, look at her. आज तो कुछ ढंग का पहन के आती। It's a party. Bloody tomboy, show off. She's such a killjoy man. पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। Boys and girls, just one second. एक second. Just one second, one second. कहते हैं अगर सच्चे दिल से कुछ मांगो तो मिल जाता है। मैं आज कुछ कन्फेस करना चाहता हूं। Go ahead, Nikhil, say you love me. Go ahead, Nikhil, say you love me. No, he loves me. मुझे वो हो गया जिसका हमेशा से डर था। I'm in love. इश्क वाला था। You know what? उससे ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, फिर भी मैंने उसका दिल दुखाया। इसीलिए मैं आज तुम सबके सामने सच्चे दिल से उसे माफी मांगना चाहता हूं। I'm sorry. कौन है वो निखिल? Who is she? मैं उसका नाम नहीं ले सकता, मैं उसे डिजर्व नहीं करता। अगर वो अपने आप मेरी तरफ चल के आएगी, मैं समझूंगा कि उसने मुझे माफ कर दिया। एक पल में क्या से क्या आओगी ना जादू सा क्या चला तुझे माफ करने? तुझसे जुदा हुआ स्वेयर, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। Without you, life is incomplete. बेशर्मियां बर्बादियां है इश्क की शैतानियां, ये फितूर जो सर पे सवार हो, जीना भी फिर दुश्वार हो। Love you, Nithi. किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी I love you too. Hey guys, 5, 4, 3, 2, 1, Merry Christmas!
प्यार और प्यार की ताकत। अब आप देखिए, कोई भी इम्पॉसिबल चीज या जो ना हो सकता हो उसे पॉसिबल कर देता है प्यार। लाइक किसने सोचा था कि एक मैन हेटर नीति एक कैसेनोवा निखिल जैसे लड़के से प्यार कर बैठे। शी हेटेड मैन, उसे आदमी पसंद ही नहीं। बट लव, लव कॉन्कर्स ऑल माई डियर फ्रेंड। ये थी हमारी आज की कहानी। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। तब तक के लिए कीप फॉलिंग इन लव गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक।